हेलो दोस्तों, इस क्लिप पेड को देख के आए हैं तो सही चीज में आए हैं दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जीमेल अकाउंट कैसे डिलीट किया जाता है, किसी भी फोन में लॉगिन किया हुआ रिमूव कैसे किया जाता है, उसको सीखेंगे दोस्तों। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, करने मत भूलिएगा इसी तरह का ट्रिक सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग उसी पुराने जमाने की तरफ, पुराने स्क्रीन में चलते हैं और सीखते हैं दोस्तों। ज्यादा लेट लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों। A few moments later. दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग को अपना फोन स्क्रीन में जाना पड़ेगा इस ट्रिक को सीखने के लिए। सिंपल सी दोस्तों, अपना जो भी क्रोम नहीं आप जाना है, आप लोग को जीमेल में जाना है, अपना वेबसाइट खोल लेना है जो जीमेल का वेबसाइट होगा। ऊपर आपका लोगो दिखाई देगा, जो भी उसमें टैप करना है। सिंपल सी टाइप करने के बाद में दोस्तों इधर दिखाई देगा आपका जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ मैनेजमेंट योर गूगल अकाउंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ मैनेजमेंट अकाउंट ऑन दिस डिवाइस करके लिखा है। तो सिंपल से यहाँ जाना है दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंट में टाइप करते हैं दोस्तों। उसके बाद में वेबसाइट खुल जाएगा, इधर अंदर में खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ गूगल करके देगा, गूगल में चला जाना है। गूगल में जाने के बाद में दोस्तों दिखाई देगा यहाँ आपका जो भी जीमेल डिलीट करना रहेगा या जो भी जितना लॉगिन रहेगा वो दिखाई देगा। यहाँ मेरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों, आप लोग को इसको डिलीट करना रहेगा तो यहाँ टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद में दोस्तों इधर दिखाई दे रहा है, इधर जो टिक कर देना है ये सब सारा चीज़ को। फिर यहाँ रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी डिलीट करना रहेगा आपको नीचे नीचे में देखिएगा, नीचे नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिमूव कर देना है। सिंपल सी आपको का जो भी रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। हमको हटाना नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं हटाना है। अगर कुछ ही समझ आए तो दोस्तों फ्रेंड या दोस्त को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इस समस्या से उसको भी समाधान हो सके। थैंक यू दोस्तों, अब नया वीडियो में आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।